मंगलवार की रात करीब 9 से 9:30 बजे के दरमियान नागपुर कलमना इलाके में सरजी बार के पास नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का उड़ान पुल बनने के पहले ही गिर गया, जिसके चलते बुधवार को निकृष्ट दर्जे के उड़ान पुल के विरोध में शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। इस दरमियान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधायक कृष्णा घोपड़े के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। भरतनगर कलमना परिसर में NHAI द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा मंगलवार की रात अचानक गिर गया। भारी विलंब के साथ बनाए जा रहे पुल में एक पिलर पर स्पैन को बेयरिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक से उठाया जा रहा था, तभी जैक से स्पैन फिसल कर गिर गया। रात करीब 1 से 1:30 बजे के दरमियान चौक से लगे भाग में हुए इस हादसे में सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि इस पुल निर्माण में किस दर्जे का कार्य किया गया यह स्पष्ट होता है, ऐसा शिवसेना की ओर से कहा गया। बुधवार को शिवसेना की ओर से इस चीज के विरोध में आंदोलन किया गया, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधायक कृष्णा खोपड़े के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस संदर्भ में शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने BCN से बात की, जिस दरमियान उन्होंने इस चीज का पुरजोर विरोध किया। मैं शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी, हम शिवसेना के माध्यम से जो कलमना में एक ब्लॉक गिरा हुआ है और विकास काम हो रहा है उड़ान पुल का, इसका ये भ्रष्टाचार के तहत है। जो सत्ता में है, भाजपा के प्रशासन के, भाजपा के लोग जो सत्ता में है, वो एक कोटेशन के तहत काम कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आरोप है। क्योंकि निकृष्ट दर्जे का बांधकाम, निकृष्ट दर्जे का निर्माण कार्य, ये दिखाता है कि जनता के पैसों की, टैक्स की लूट हो रही है। ये विकास कार्य जिसका 100 सालों से 50 सालों तक की गारंटी दिखाई जा रही है, वो निर्माण कार्य के दौरान वो ब्रिज गिर जा रहे हैं, सीमेंट रोड फूट जा रहे हैं, चारों तरफ नाग रोड पूरी तरह से खंडित हो गया है, मनपा इस प्रकार से भ्रष्टाचारी है, NHAI में इस प्रकार के काम मिल रहे हैं, ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा लाखों का रॉयल्टी का दंड किया गया है, फिर भी उसको ब्लैकलिस्टेड न करते हुए राजनेताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ के स्थानिक विधायक की इसमें संलिप्तता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं कहूँगा कि इसकी पूरी जाँच हो, इन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और हिंदुस्तान में इनको कहीं काम ना दिया जाए। कल रात को भरतनगर का जो पुलिया है वो निर्माण स्थिति में था और इसी दरमियान वो गिर गया। आज इसी के विरोध में शिवसेना की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना आक्रामक रुख शिवसेना की ओर से अपनाया जा रहा है। यहाँ के स्थानिक विधायक आमदार कृष्णा खोपड़े, इनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से शिवसेना की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। बहुत ही